जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी की एक और यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शिक्षार्थी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षार्थी के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं उनकी डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले, विकास में अवर्ती का भाव निहित रहता है कि जो विकास होता है वो जो है जिंदगी भर चलता है, संबंध सभी परिवर्तनों से, कि जितने भी परिवर्तन आते हैं वो सब विकास में आते हैं, क्योंकि विकास जो होता है वो जिंदगी भर चलता रहता है। जो डेवलपमेंट है वो एक शिक्षार्थी लर्नर में लाइफ टाइम तक चलती रहती है, तो उसमें सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख रहा हो। जब तक ताउम्र जो होती है इंसान की, वो डेवलपमेंट उसमें पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। निश्चित क्रम, दिशा, लक्ष्य, मापन संभव होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहले हैं जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, कि कुछ जैविक कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, शारीरिक रचना, बॉडीली कंस्ट्रक्शन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे विकास को प्रभावित करते हैं ये सारे कारक। तो पहला है गलग्रंथि, मीन्स थायराइड ग्लैंड। ये हमारे विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है ये जो गलग्रंथि जो होती है। इसका स्राव अधिक हो जाता है तो चिंता, बेचैनी, तनाव, उत्तेजना हो जाती है इंसान के अंदर, और इसका अगर स्राव कम होता है तो थकावट, खिंता, मानसिक दुर्बलता हो जाती है किसी इंसान में। इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है, जो गलग्रंथि है, इसका स्राव जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो मतलब क्योंकि ये इसकी अधिकता भी अच्छी नहीं है और इसकी कमी भी अच्छी नहीं है। फिर है उपवक्रक ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। जो स्राव होता है उसे एड्रेनल कहते हैं। संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होते हैं। जो उपवक्रक ग्रंथि होती है इसमें क्या होता है कि हमारे जो संवेग होते हैं वो प्रभावित होते हैं इससे, इमोशंस। जैसे अगर इसका स्राव ज़्यादा हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड का, तो क्रियाशील हो जाता है इंसान, उत्तेजित हो जाता है, सशक्त हो जाता है, और अगर इसका स्राव कम होता है तो चिड़चिड़ा, उदास और निर्मल बन जाता है, निर्बल, कमजोर। फिर अगला है पोष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क में होती है ये जो पोष ग्रंथि होती है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखती है। कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पोष ग्रंथि जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्य इसका क्या होता है, कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखती है। इसका स्राव अधिक हो जाता है तो अधिक लंबा, झगड़ालू और आक्रमणकारी स्वभाव हो जाता है, और इसका स्राव कम होता है तो शारीरिक एवं यौन अंगों का सम्यक विकास नहीं हो पाता है। फिर है हमारी यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड्स। उचित विकास क्रियाशीलता के अभाव में स्त्री पुरुष लक्षणों से रहित, तटस्थ, नैसर्गिक नमूने के रूप में विकसित होता है। फिर है स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम। जितना अधिक सुव्यवस्थित उतना ही अधिक व्यवहार विकसित होगा। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा जितना सुव्यवस्थित होगा उतना ही अधिक व्यवहार इंसान का विकसित होता है। और फिर है बुद्धि, जो इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में। तो जो इंटेलिजेंस होती है, तीव्र बुद्धि व्यक्तित्व सामान्य, और मंद बुद्धि जो होती है व्यक्तित्व भिन्न की। मतलब जो तीव्र बुद्धि है तो अच्छा उसका व्यक्तित्व होगा, मंद बुद्धि है तो भिन्न होगा, मतलब लोगों से भिन्न होगा। फिर वातावरणीय कारक होते हैं कुछ, जो इंसान को, कोई भी लर्नर होता है उसको उसके डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं जो वातावरणीय कारक होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, जैसे भौतिक वातावरण, जैसे ठंडी जलवायु के जो लोग होते हैं वो सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान, परिश्रमी होते हैं। जो गर्म जलवायु के जो बालक होते हैं या जो मनुष्य होते हैं वो काले होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, आलसी, कम बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। कुछ पारिवारिक वातावरण होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए
जरूरी होते हैं, कई प्रभावित करते हैं, ऐसे होते हैं। पारिवारिक कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वही परिवार में किस तरीके का परिवार है, किस और विद्यालय वातावरण के कैसा विद्यालय वातावरण है, वो भी उस पर अफेक्ट करता है कि जो जैसा विद्यालय का वातावरण होगा उसी हिसाब से बच्चे का विकास होगा। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कुछ सामाजिक हैं और कुछ सांस्कृतिक हैं। और तीसरा हमारा जन संचार माध्यम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मीडिया, इसका भी काफ़ी प्रभाव बच्चे के विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार, विकास के में किस प्रकार के टाइप ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट। हॉरलॉक ने 4 टाइप्स बताई हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन साइज, कि मतलब उसके साइज में परिवर्तन, फिर अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोपोर्शन, फिर है पुरानी आकृतियों का लोप, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो पुरानी आकृतियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, सीने की थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है, मस्तिष्क के पास स्थित जो पीनियल ग्रंथि होती है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो जैसे जैसे डिसअपियर होती जाती है, जैसे जैसे ओल्ड फीचर्स जो होते हैं, बच्चा बड़ा होता है उसके ओल्ड जो फीचर्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं। फिर नवीन आकृतियों की प्राप्ति, तो जो पुरानी होती है उनका लुप्त हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, नवीन आकृतियों की प्राप्ति परिपक्वता मैचुरेशन और अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस के फल स्वरूप होती है, जैसे दांतों का निकलना। तो हमें कुछ नई चीज़ें भी तो आती हैं, जैसे नवीन आकृतियों की प्राप्ति कहते हैं इसे। विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कौन कौन से नियम है, कि विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले निरंतरता का नियम, कि कंटिन्यूटी होती है विकास के अंदर। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, कि जो वृद्धि और विकास है उसकी गति एक जैसी नहीं होती कभी भी। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि जो ग्रोथ होता है वो तो कुछ टाइम तक होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट लाइफ टाइम चलता है, हमारे थ्रू आउट लाइफ चलता है। व्यक्तिक अंतर का नियम, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, और जो डेवलपमेंट है जो वो हमारा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इसके आगे हम देखते हैं एकीकरण का नियम। एकीकरण के नियम में है इंटीग्रेशन, एकीकरण का नियम, परस्पर संबंध का नियम, इंटर रिलेशन, कि कोई भी चीज़ों में दो में इंटर रिलेशन। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, कि हम किसी के व्यवहार को, बिहेवियर को देख के हम बता सकते हैं कि इसका विकास किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से होगा। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का नियम, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास सेफालोडुकल डल और प्रोक्सीमो डिस्टल क्रम में होता है, कि ये जो दो क्रम दे रखे हैं इसके, सेफालोड को डल है, इसमें क्या होता है कि विकास लंबवत रूप में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और जो प्रोक्सीमो डिस्टल जो होता है, जो विकास होता है, वो विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास और उसके बाद में संपूर्ण होता है। तो जो प्रोक्सीमो डिस्टल होता है, इसमें जो विकास होता है वो केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहर की तरफ होता है। और सिफाकोडल, इसके अंदर विकास लंबवत रूप से होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से, सिर से पैर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर भुजाओं का, हाथ का और हाथ की उंगलियों का, फिर इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद में भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, फिर इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास हो जाता है। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। फिर है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, कि जो विकास होता है वो हमारा ऐसे नहीं होता, मतलब एकदम लीनियर नहीं होता है, जो विकास होता है हमारा स्पाइरल होता है, इस तरीके से विकास होता है। जो मनुष्य का विकास होता है वो इस तरीके से होता है। विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरीज, मतलब कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं। फॉर एग्जांपल,
ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, एक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत और जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता किसे कहते हैं हम? सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम मन की तीन दशाएं बताई हैं, एक तो चेतन, एक अचेतन मन और फिर एक है अचेतन मन। तो सबसे पहला है जो चेतन मन है, उसमें क्या है, तत्कालीन ज्ञान से संबंधित होता है जो चेतन मन होता है, और जो चेतन मन का जो संपूर्ण भाग का 1/10 होता है, कि चेतन जो मन होता है वो 10th पार्ट का सिर्फ ओनली 1% होता है, मतलब 10% होता है। अचेतन मन होता है अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो दमित इच्छा विद्यमान रहती है इसमें, ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये 10 में से 9वां हिस्सा मतलब 90% होता है। और चेतन मन होता है जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे कि जीव का लड़खड़ा जाना, परिचित नामों को भूल जाना, ये इन दोनों के बीच में जो माइनर सी जगह होती है वो अचेतन मन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने एक आइसबर्ग से भी एग्जांपल से भी इसको समझाया हुआ है, कि जैसे आइसबर्ग है उसका जो मतलब मोस्टली पार्ट जो नीचे है पानी से, और जो ये 1% है ये तो हमारा होता है चेतन मन, और जो ये नीचे का जो 90% हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं अचेतन मन। जो 90% मन होता है इसमें कुछ दमित इच्छाएं होती हैं, और जो लास्ट होता है ये जो अचेतन मन है ये है, कुछ जो इनके बीच का भाग होता है ये होता है अचेतन मन। ये काफ़ी छोटा होता है, जैसे इससे इस ये कौन सा होता है, जब हमारा जीभ का लड़खड़ा जाना, मतलब सडनली हम कुछ भूल जाते हैं। व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से फ्राइड ने 3 स्थितियों का महत्व दिया है। एक तो होता है इड, इच्छाओं की जननी है, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है। आनंद सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को मानता है कि जो इंसान होता है अगर उस पर इड हावी होता है, जो इड जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को समझता है, भला बुरा नहीं समझता है वो, सिर्फ उसको ये पता होता है कि अपना प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, कि उसे जो अच्छा लगता है उसे वही करने का मन करता है। फिर दूसरा है जिसे हम कहते हैं ईगो, ये वास्तविक सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये जो होता है, ये जो हमारे जो तीन होते हैं, एक तो इड होता है, एक ईगो होता है और एक सुपर ईगो होता है, तो इड और सुपर ईगो के बीच की स्थिति है ये ईगो। तो इसमें क्या होता है, व्यवहार पर नियंत्रण करता है, इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच में संतुलन बनाए रखता है। फिर है परम सुपर ईगो, जो सुपर ईगो है इसमें क्या होता है, इसका विकास सबसे देरी से होता है, आदर्शवादी नैतिकता का सिद्धांत है, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं। इसी आधार पर व्यक्ति में पछतावे की भावना आती है, मतलब ये इसको हम ऐसे कहते हैं लाइक एन एंजल, मतलब जैसे एंजल होता है ना, कि ये मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, आदर्शवादी होता है काफ़ी, तो ये होता है हमारा सुपर ईगो। फिर है सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के कुछ अन्य मुख्य प्रत्यय हैं। जो सिगमंड फ्राइड है इनका जन्म हुआ था 1835 में एक यहूदी परिवार में, तो इन्होंने कुछ और मुख्य प्रत्यय दिए थे, जैसे लिबिडो, लिबिडो इस जो शब्द है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इसमें काम शक्ति को लिबिडो कहते हैं, सब कार्य जिनसे सुख मिलता है उसको लिबिडो से संबंधित किया है, जैसे शिशु कामुकता, इनफर्टाइल सेक्सुअलिटी बच्चों में भी, लेकिन किशोरावस्था से भिन्न, कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जो जो इनफर्टाइल एज होती है उसमें भी मतलब होती है सेक्सुअलिटी कामुकता, लेकिन उसमें किशोरावस्था से अलग होती है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया। और कुछ शब्दों के बारे में बताया, जैसे सबमोह है, नार्सिज्म, इसमें इंसान को अपने आप से प्रेम करने लग जाता है। फिर है मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट्स, जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट, मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट। फिर है फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं, 5 स्टेजेस बताई हैं। तो इसमें पहली स्टेज है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, इसमें क्या होता है, ये ओरल स्टेज होती है, ये जन्म से लेकर
एक वर्ष तक होती है। इसमें कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। फिर दूसरी जो स्टेज है वो होती है गुदी अवस्था, एनल स्टेज। इसमें क्या होता है, अगले 2 वर्षों को, जैसे जब बच्चा 3 साल का होता है तब तक के लिए, इसमें जो कहाँ पे केंद्रित होती है, गुदा क्षेत्र में होती है। कामुकता गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है। फिर है अगली लैंगिक अवस्था। जो लैंगिक अवस्था होती है इसको कहते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में लिंग प्रधान अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, केंद्र बिंदु जननेन्द्रियों में होती है। बॉयज में ऑडिपस ग्रंथि विकसित होती है, मतलब माँ का प्रेमी हो जाता है जो लड़का होता है। मतलब होते हैं ना छोटे बच्चों में कि बॉयज जो छोटे लड़के होते हैं 6 इयर्स तक के, वो अपनी मम्मी को ज़्यादा लाइक करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पापा को ज़्यादा लाइक करती हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो ऑडिपस ग्रंथि होती है, इसकी वजह से ये होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो गर्ल्स होती हैं उसमें ये इलेक्ट्रो ग्रंथि विकसित होती है, जिसकी वजह से वो फादर को ज़्यादा लाइक करती हैं। फिर है अदृश्य अवस्था, लेटेंसी 6 से 12 ईयर्स तक, काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। इसके नाम से ही पता चलता है अदृश्य अवस्था, इसमें जो काम शक्ति होती है वो अदृश्य हो जाती है। फिर अगली है जननेन्द्रिय अवस्था, जेनेटल स्टेज। जो जेनेटल स्टेज होती है इसमें जननेन्द्रियों में केंद्रित हो जाती है। स्थानोत्पत्ति हेतु अंतिम अवस्था होती है ये। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, थ्योरी और सोशल डेवलपमेंट, यह है फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं क्योंकि वे फ्रायड के सिद्धांत तक समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी भांति कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना इन्होंने। ये काफ़ी हद तक जो है एरिक्सन, ये सिगमंड फ्रायड से प्रभावित थे, लेकिन इनकी कुछ चीज़ों में थॉट अलग थी। जो विकास के लिए सामाजिक अनुभूति को महत्वपूर्ण माना, अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसने ये जो बुक लिखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक्सन ने लिखी है 1963 में स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। ये सामाजिकता पे जोर देते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। जो 8 अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहली है वो जन्म से लेकर 2 साल तक है, 2 ईयर्स तक। विकास विश्वास सॉरी विश्वास अविश्वास की अवस्था होती है 3 से 4 ईयर्स तक। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था होती है 5 से 6 ईयर्स तक। आत्मबल अपराध भाव की अवस्था होती है 7 से 12 ईयर्स। परिश्रमहीनता की अवस्था 13 से 18 ईयर्स। पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था 19 से 35। घनिष्ठता अलगाव की अवस्था 36 से 55। उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था 55 से अभाव। ईमानदारी और निराशा की अवस्था। तो इसके बाद में हम देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। हम फ्रेंड्स सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो अरिक्शन के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इनका मानना है कि नैतिक विकास के लिए तर्क और चिंतन के स्वरूप का विश्लेषण अनिवार्य है। नैतिक विकास की इन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जैसे अरिक्शन ने 8 के लिए किया है, और उसी प्रकार कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, किंतु दो दो अवस्थाओं को साथ रखकर इन्होंने 3 सत्रों में बांट दिया है कि हर एक अवस्था को दो दो को एक इसमें स्टेज में रख दिया है इन्होंने। जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो इनकी 3 स्टेजेस हैं उसमें पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें है जब बालक किसी आचरण को नैतिकता अनैतिक मान लेता है। नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं शामिल हैं, एक तो ज्ञान व दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। कि इसमें जो बच्चा होता है वो इसलिए कोई भी काम इसलिए करता है कि उसको सिर्फ ये है कि आज्ञा मिली है उसको, या फिर मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिले इसलिए काम करता है वो, कि मतलब किसी ने या तो उसको ऑर्डर दिया है कि बड़ों ने कोई एल्डर ने कहा है इसलिए वो काम करता है, या फिर उससे पनिशमेंट से बचना होता है। और अहंकार की अवस्था होती है। फिर है कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है। नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं इसमें, एक तो प्रशंसा की कि जो जो बच्चे का विकास होता है या तो प्रशंसा की वजह से कोई काम करता है वो, या फिर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की, कि मतलब उसमें उसको समाज में सम्मान के लिए करता है, कि कोई उसको गुड बॉय गुड गर्ल ऐसे कैसे बुलाएंगे इसलिए करता है वो। फिर है तीसरी स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज।
अपने विवेक के आधार पर अच्छा बुरा उचित अनुचित नैतिक अनैतिक समझना सीख जाता है वो जो पोस्ट कन्वेंशनल में, कि वो उसके बाद में उसको समाज से, समाज के साथ साथ में वो अपने विवेक के आधार पे भी कार्य करता है। जैसे उस वो सोचता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, नैतिक अनैतिक, इसकी समझ आ जाती है उसमें। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक समझौते की और विवेक की। जेन प्याजे का संज्ञान विकास सिद्धांत, फिर हम जेन विकास की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे। इसमें जेन प्याजे ने क्या क्या कहा है, ये विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो जेन प्याजे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के जनक हैं। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था परिपक्वस्था तक अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत को जीन प्याजे ने चार अवस्थाओं में समझाया है। एक तो संवेदीय पेश की अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, वो 0 to 2 years तक होती है। फिर शिशु इसमें क्या होता है, स्वार्थी होता है, सुकेंद्रित होता है, सुनकर स्पर्श स्पर्श करके गंध स्वाद देखकर सीखता है, हाथ पैर हिलाता है। कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो 0 to 2 years तक होती है, मतलब जन्म से 2 साल तक होती है, इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, जो 5 senses होती हैं वो उनसे सीखता है। फिर दूसरी जो स्टेज है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years तक। दूसरे शिशुओं के संपर्क से सीखता है, खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तार्किक चिंतन योग्य नहीं होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है ये। हल्की बाहरी रंगों की पहचान, आज्ञा मानना, ये सब विकसित होता है इसमें। फिर स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 to 12 years तक। इसमें चिंतन मूर्त प्रत्येक वस्तुओं तक ही सीमित होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, समय दिन तारीख महीना वर्ष आदि चीज़ों को याद करने योग्य हो जाता है इस स्टेज में जो बालक होता है। फिर अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चे का विकास जो होता है वो किस तरीके से होता है, मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था विकसित हो जाती है, कल्पना शक्ति, निरीक्षण, विचार, तार्किक शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है ये। जीन प्याजे का शिक्षा में योगदान, जीन प्याजे ने शिक्षा में जो बालकों के लिए शिक्षा में क्या योगदान दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है इन्होंने। बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की बात बताकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा वो होता है बच्चे के अंदर जब वो जन्म लेता है तो कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर पहले से होती हैं, कुछ चीज़ें वो पहले से जानता है, जैसे कोई चीज़ को देख के हाथ पैर हिलाना या फिर दूध पीना, तो ये कुछ उसमें आदतें जो होती हैं वो जन्म के समय से ही होती हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो इसके आगे शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। तो स्कीमा है किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट,